बेसिक फिजिक्स के इस ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे के बारे में बताया और कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों को एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। एक्सरे स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटा गया है, पहला कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल में इंटर करता है तो वह टारगेट मटेरियल के एटम से लगातार कोलिजन करता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है और बाद में रेस्ट में आ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल के एटम के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और उनके एटम से भी इंटरेक्शन करते हैं। जैसा कि हम आपको अभी फिगर में दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कोई एटम है जिसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जेज है और बाहर से कोई फिलामेंट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मटेरियल के अंदर प्रवेश कर गया है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से इंटरेक्शन के चलते इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में न जा करके कुछ अपना पाथ चेंज कर देगा और उस पाथ के चलते इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, इलेक्ट्रॉन डी एक्सलरेट होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से कि कोई भी एक्सलरेटिंग या डी एक्सलरेटिंग चार्ज रेडिएशन को लूज करता है और इस तरह से ये रेडिएशन एक्सरे के रूप में हमको दिखाई देती है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस स्पेक्ट्रम में अगर हम इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ इस तरह का आता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, इसको के बीटा बोलते हैं, इसको के अल्फा बोलते हैं और जो लैम्डा की ये वैल्यू है, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू है, इसको लैम्डा मीन बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस एक्सरे के केस में ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट और यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस एक्सरे है और ये जो दो पार्ट हैं जिनकी इंटेंसिटी हाई है के बीटा और के अल्फा, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस एक्सरे का रेंज लैम्डा मीन से लेकर के और एक इधर मैक्सिमम वैल्यू तक लैम्डा मैक्स तक है, इसकी वैल्यू अराउंड 100 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। ठीक, तो ये मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअस एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर जाता है तो वो एटम के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के पाथ चेंज होने से इलेक्ट्रॉन डी एक्सलरेट होता है और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अनुसार कोई भी एक्सलरेटिंग या डी एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन इमिट करता है और इस केस में रेडिएशन हमको एक्सरे के रूप में मिलती है। इसकी वैल्यू एक लैम्डा मीन होती है, लैम्डा मीन से लैम्डा मैक्स के बीच एक कंटिन्यूअस एक्सरे की वैल्यू लाई करती है। अब मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता। मान लिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत हाई एनर्जी होने के चलते ये फास्ट इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मान लीजिए कि एक एटम में के सेल हो और ये अगला क्या हो, एल सेल हो। के सेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लिया कि टारगेट फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हाई है, इलेक्ट्रॉन वो इतना फास्ट है कि टारगेट के एटम से के सेल से ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि टारगेट के सेल के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी से इसको बाहर निकाल देता है। अब क्या होगा अगले केस में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के सेल वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया और के सेल में इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन एल सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन 8 हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से रहेंगे। ठीक, अब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, कौन से इलेक्ट्रॉन,
एक जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो और एक के सेल वाला, दो इलेक्ट्रॉन अभी बाहर निकल गए। अब क्या होगा, जो के सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, जो के सेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस वैकेंसी को भरने के लिए एल सेल से एक इलेक्ट्रॉन आता है और क्या होता है, अब एल सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो अब क्या होगा, के सेल में एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच रहा है तो के सेल अब दो इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो गया, लेकिन एल सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 5, 6, 7 और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ये वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई, क्यों क्रिएट हो गई, क्योंकि एल सेल से एक इलेक्ट्रॉन आ करके और के सेल को फिलअप कर दिया। इस तरह से जो हमको एक्सरे मिलती है जिसमें कि एल सेल से कोई इलेक्ट्रॉन के सेल को भरता है, इस तरह की एक्सरे को हम लोग बोलते हैं के अल्फा एक्सरे। ठीक, तो अब हम इनका एनर्जी डायग्राम भी आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसका एनर्जी डायग्राम कैसे हम लोग ड्रा करेंगे के अल्फा और के बीटा के लिए। तो इस तरह से कई सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं, जैसे के सेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करके एल सेल में, एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर के सेल को फिलअप करता है तो के बीटा बोलेंगे, अगर एम सेल वाला इलेक्ट्रॉन के सेल में पहुंचता है तो उसको के बीटा बोलेंगे। तो अगर एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन के सेल में आता है तो के अल्फा होगा, और अगर एम सेल से कोई इलेक्ट्रॉन के सेल में आकर के उसको फिलअप करता है तो वो के बीटा होगा। तो मान लीजिए अभी हम एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं इसका, जैसे एक के सेल है, एक क्या है एल सेल है, एनर्जी लेवल ऊपर और सटती जाती हैं आपस में, एम सेल है, ये क्या है एन सेल है, और इधर ये इन्फिनिटी वाला एनर्जी लेवल है, इन्फिनिटी वाला एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसकी एनर्जी के सेल की ई के है, एल सेल की एनर्जी क्या है ई एल है, ये क्या है ई एम है, ये क्या है ई एन है, और ए इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, ई इन्फिनिटी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n² के होती है, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एनर्जी ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो जो इन्फिनिटी पे एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब हमने क्या बताया कि एल सेल से कोई इलेक्ट्रॉन के सेल को जब फिलअप कर रहा है तो जो एक्सरे निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं के अल्फा एक्सरे। अगर एम सेल से कोई इलेक्ट्रॉन आ करके इसको फिलअप करता है के सेल वाले वैकेंसी को तो इसको हम लोग बोलते हैं के बीटा एक्सरे। उसी तरह से अगर एन सेल से कोई इलेक्ट्रॉन आ करके के सेल में पहुंचता है तो उसको के गामा एक्सरे बोलते हैं। तो इस तरह से करेक्टरिस्टिक एक्सरे के कई प्रकार हो सकते हैं, के बीटा, के अल्फा, के गामा। उसी तरह से अगर एम सेल से कोई इलेक्ट्रॉन एल सेल वाले वैकेंसी को आकर के भरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल अल्फा। अगर एन सेल से कोई इलेक्ट्रॉन एल सेल में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल बीटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक एक्सरे एनर्जी लेवल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो अगर हम लैम्डा के अल्फा निकालना चाहें तो लैम्डा के अल्फा इज इक्वल टू होगा एच सी बटा डेल्टा ई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एच सी अपॉन ई के माइनस ई एल, क्योंकि के अल्फा के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, के सेल और एल सेल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। तो और लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई होता है, तो ये कितना हो गया एच सी बाई ई के माइनस ई एल। उसी तरह से लैम्डा के बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा के बीटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई के माइनस माइनस ई एम होगा। ठीक, उसी तरह से लैम्डा एल अल्फा क्या होगा, एच सी अपॉन ई एल माइनस ई एम होगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन एल सेल से एम सेल में हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन एल सेल से एम सेल में हो रहा है, तो एम सेल से एल सेल में हो रहा है, इसलिए इसको लैम्डा एल अल्फा को क्या लिखेंगे, ई एल माइनस ई एम एच सी अपॉन। तो इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में आज हमने आप लोग को बताया। और करेक्टरिस्टिक एक्सरे किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी लेवल पे डिपेंड कर रही है, जो दो एनर्जी का डिफरेंस है। तो ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे हर एक मटेरियल के अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, और करेक्टरिस्टिक एक्सरे ये मटेरियल पे डिपेंड करता है।
ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ठीक, और ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है. ठीक है, तो आज का लेक्चर में हमने आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में बताया. अब इसमें जो बचा हुआ है वो है प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे. मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस करूँगा और इसका नोट्स भी आप लोग को शेयर करूँगा. धन्यवाद.